नमस्ते मैं विकास दीप पांडे परफेक्ट एकेडमी के परिवार की तरफ से आपका बहुत हार्दिक स्वागत है अभिनंदन कर रहा हूं करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और जनवरी मंथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आगे बात करेंगे फरवरी की फरवरी महीना ही आपको पता है बहुत अच्छा है क्यों अच्छा है आप लोग समझ गए होंगे कि एक विशेष पर्व पड़ता है कुछ लोगों का जिनको वैलेंटाइन डे कहा जाता है लेकिन आज हम लोग यहाँ पे वैलेंटाइन डे की बात नहीं करेंगे चलो आ जाओ फटाफट अपने डेटा पे सबसे पहले फ़रवरी के इंपॉर्टेंट डेज़ की हम लोग बात कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट डेज में देखो सुनते चलो मेरे तरीके से सारी की सारी चीज़ें आप समझोगे मेरा तरीका यानी एक ऐसा तरीका जो आपको मैक्सिमम फायदा देने वाला है क्लियर है सारी की सारी चीज़ें और सभी लोग फटाफट आ जाओ एक चीज़ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो गाली भी दीजिए क्या कर सकते हैं अगर मैं आपका प्रसिद्धि और आपके यह सुनता हूँ आपकी पढ़ाई सुनता हूँ तो आपके गाली सुनने का भी मुझे पूरा का पूरा अधिकार है ठीक है फटाफट आ जाओ देखो एक फरवरी बात करेंगे सबसे पहले एक फरवरी की और मैं पेन ले लेता हूँ और पेन रेड रेड इज बेटर देन वॉल एनी कलर ठीक है चलो एक फरवरी आ गया एक फरवरी को हम लोग बनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस भारतीय तटरक्षक दिवस को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड क्या बोला जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड क्लियर है ना हमारे तटों की रक्षा अब आपके नया प्रश्न ये आएगा कि भैया हमारे पास तट कहां कहां पे हैं भैया जहां जहां समुद्र होगा वहां वहां तट होगा सिंपल सी बात है तो आप अगर नीचे देखोगे जिसे हम लोग प्रायद्वीप भारत कहते हैं और प्रायद्वीप भारत कहने का ये रीजन है कि ऐसी स्थल आकृति यानी एक ऐसा लैंड जिसको तीन तरफ से पानी ने कवर किया है उसे ही प्रायद्वीप या पेनसुलर इंडिया कहा जाता है ये डेटा आपको पता है तो हमारा जो नीचे का जो भारत का स्ट्रक्चर है जिसको प्रायद्वीप बोला जाता है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा है इसलिए इसको प्रायद्वीप या पेनिनसुलर बोला जाता है और सिंपल सी बात है तट भी कोस्ट भी तो यहीं से होगा जैसे यहां पे एक स्टेट है गुजरात और सबसे लास्ट में जहां पे तट जाएगा वो कौन सा होगा वेस्ट बंगाल तो एक फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे जो तटों की सुरक्षा करते हैं उनका वाला जो दिन है मेरी बात सुनना ध्यान से एक और पहला तो डेटा ये हो गया दूसरा डेटा ये है कि आखिर हमारी जो कोस्टल लाइन है वो कितनी लंबी है इससे देखिए दूसरा प्रश्न आपको बन गया आखिर जो हमारी कोस्टल लाइन है वो कितनी लंबी है और कितने राज्यों में फैली है तो हमारी जो तट रेखा है मेरी बात ध्यान से सुनना जो हमारी कोस्टल लाइन है वो टोटल पचहत्तर किलोमीटर लंबी है कितनी पचहत्तर किलोमीटर लंबी है और यह नौ राज्यों में ध्यान से सुनिए नौ राज्यों और चार यूटी और यूटी को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे यूनियन टेरिटरी या फिर हिंदी में इसको कहते कह सकते हैं चार संघ शासित क्षेत्रों में फैली है क्लियर है ना पहला डेटा आपको पता चल गया दूसरा डेटा आप इसमें यह समझो कि प्रश्न ये आता है कि ये जो कोस्टल लाइन जो नौ राज्यों में फैला है सबसे अधिक या सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस राज्य में होती है तो उसका भैया जवाब हो गया गुजरात गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है क्लियर है ना और एक प्रश्न यह भी आता है मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एक प्रश्न यह भी आता है कि राज्यों का तो आपको पता चल गया सबसे बड़ा गुजरात है और यूटी में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है तो यूटी में सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है भैया अंडमान एंड निकोबार की क्लियर है सारी की सारी चीजें और अंडमान निकोबार का लोकेशन आपको पता है यहां पे है अच्छा एक प्रश्न ये भी आया है कि अगर यूटी और राज्य को मिला दिया जाए मतलब ये नौ राज्य मिला दिया जाए और चार यूटी को मिला दिया जाए तो सारे के सारे जो तेरा के तेरा इन तो जो तेरह के तेरह हैं इनमें सबसे लंबी तटरेखा कौन सी होगी तो भैया इसमें सबसे लंबी जो तटरेखा होगी नौ और चार को मिला मिला दिया जाए यानी ये जो तेरह होंगे और इन तेरह में जो सबसे लंबी तटरेखा निकलेगी वो गुजरात से भी ज्यादा है अंडमान निकोबार की क्लियर है ना अंडमान एंड निकोबार की किससे गुजरात से भी ज्यादा कोस्टल मतलब उससे भी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन अंडमान और निकोबार की है ये सारा का सेरा, सारा का सारा डेटा मैंने आपको बता दिया ठीक है फिर से अपने स्लाइड पे आ जाते हैं और स्लाइड अपना ये था कि एक फरवरी को हम लोग मना रहे हैं भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे और मैंने लगभग कोस्टल लाइन की आपको सारी की सारी जानकारी आपको दे दी एक जानकारी और प्रश्न ये एक आता है मेरी बात ध्यान से सुनिए आपको एक चीज और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं ये तो हमारा कोस्टल लाइन हो गया यहां पे तुम्हें पता है कि पूरा का पूरा समुद्र आ जाएगा प्रश्न ये आ सकता है कि आखिर समुद्र में हमारा बॉर्डर क्या है कि समुद्र में हम कितने मतलब आगे तक जाएं और वहां पे हमारा पूरा का पूरा बॉर्डर होगा जैसे मान लीजिए कोई अगर हमारा मछुआरा है और यहां से कोस्टल से जहाज लेकर के चले तो वो कितने समुद्र में कितने एरिया तक वो क्या कहते हैं फिश वगैरह या मछली पकड़ने का काम कर सकता है तो इसका जवाब होता है मेरी बात ध्यान से सुनिए कि कोस्टल लाइन से हम लोग समुद्र में आगे जा सकते हैं जो हमारा एरिया होगा वो होगा दो नॉटिकल मील तक कितना दो सौ मील तक समुद्र की दूरी जो नापी जाती है नॉटिकल मील में एक नॉटिकल मील में होता है 1.83 किलोमीटर कितना 1.83 किलोमीटर समुद्र की लंबाई नापते हैं नॉटिकल मील में और समुद्र की गहराई नापते हैं फैदम में किसमें नापते हैं फैदम में सारा का सारा डेटा मैंने आपको बताया कि समुद्र की लंबाई नापोगे नॉटिकल मील में एक नॉटिकल मील किलोमीटर समुद्र की गहराई यानी उसकी जो कितना डेप्थ है वो नापते हैं फैदम में और एक फैदम बराबर होता है सिक्स फीट कितना होता है सिक्स फीट तटों से लेकर के मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दी कि हम अगर कोस्टल लाइन से कितना हमारा बॉर्डर होगा समुद्र में वो होगा दो नॉटिकल मील तक चलो अपने अगले डेटा की तरफ हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं क्या है इसको देखते हैं दो फरवरी दो फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस विश्व आर्द्र भूमि दिवस को इंग्लिश में कहा जाएगा क्या वेटलैंड क्या बोला जाएगा वेटलैंड विश्व आद्र भूमि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड क्या बोला जाता है वेटलैंड अच्छा वेटलैंड क्या है वेटलैंड एक गलदला क्षेत्र होता है एक गलदली भूमि होती है जो हमारे इकोलॉजी या हमारे इन्वायरमेंट या हमारे कह सकते हैं पारिस्थितिक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे पर्यावरण और हमारे सारे के सारे जो जो हमारा वातावरण है हमारा वायुमंडल है या हमारा जलमंडल है या हमारा स्थल मंडल है उसके लिए ये जो वेटलैंड भूमि होती है जो आर्द्र भूमि होती है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है क्यों जरूरी होती है क्योंकि यहां पे तरह तरह प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत सी चीजें पाई जाती है मतलब वहां पे बहुत अधिक जैव विविधता होती है और जैव विविधता का मतलब ये हो गया बायोडायवर्सिटी क्लियर है सारी की सारी चीजें तो भैया दो फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व आद्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है भाई साहब ये मनाना स्टार्ट हुआ है 1971 से और एक जगह पे मीटिंग हुई थी उस जगह की मीटिंग जो जग, जिस जगह पे मीटिंग हुई थी वो जगह थी रामसर और रामसर पड़ता है ईरान में और तुम्हें पता है ईरान की कैपिटल क्या है भैया ईरान की कैपिटल है तेहरान और रामसर में जो मीटिंग हुई थी वो 1971 में हुई थी और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि पूरे के पूरे विश्व में जहां जहां पे वेटलैंड पाए जाएंगे उनकी सुरक्षा की जाएगी क्लियर है सारी की सारी चीजें अभी अगर आप इंडिया के सिनेरियो में देखेंगे कि भारत में टोटल वेटलैंडों की संख्या कितनी है तो करंट में भारत में टोटल वेटलैंड की संख्या कितनी है 75 फाइव पचहत्तर हमारे पास आर्द्र भूमि है और एक चीज और इन वेटलैंड को रामसर साइट्स भी बोला जाता है क्या बोला जाता है रामसर साइट्स ये डेटा इंपॉर्टेंट है और अभी करंट में इसकी संख्या कितनी है करंट में भाई साहब इसकी संख्या सेवेंटी फाइव है अच्छा भाई साहब और बहन जी दोनों में कोटेशन कर रहा हूँ आप ये मत समझना कि सर आप तो सिर्फ लड़कों को बोल लो भाई साहब जितने भी हैं छोटे भाई बहन दोनों के लिए मैं आ, मतलब उद्बोधन कर रहा हूँ कि दोनों लोग मेरी बात को सुनना ध्यान से क्योंकि होता क्या है ना कि अगर लड़कियों को ना बोलो तो सर आप तो हम हम हमें तो कभी पूछते ही नहीं हो क्या बोले अब दुनिया है ठीक है चलो क्लियर है ना इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की संख्या या यादवी की संख्या कितनी है 75. 1971 में मीटिंग हुआ था रामसर में, रामसर में पड़ेगा ईरान में और ईरान की कैपिटल क्या है तेहरान क्लियर है सारी की सारी चीजें नेक्स्ट डेटा देखते हैं हमारे पास क्या है आ जाओ फटाफट चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं बहुत अच्छी बात है कैंसर एक प्रकार का रोग है और विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं चार फरवरी को कैंसर होता क्या है आपको पता होगा कि कैंसर का मतलब ये होता है किसी भी कोशिका को अगर कोई भी कोशिका है कोशिका यानी सेल अगर कोई भी सेल असामान्य रूप से मतलब नॉर्मल एक होता है एक नॉर्मल तरीके से बढ़ना एक होता है असामान्य मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं मतलब एकदम अलग से मतलब मान लो ये मेरी कोहनी यहीं पे ना ये अचानक इधर से निकल जाए मतलब मेरा एक कान छोटा और एक कान बहुत बड़ा हो जाए अगर कोई भी सेल असामान्य रूप से असामान्य रूप से अगर बढ़ने लगे असामान्य रूप से अगर बढ़ने लगे उसी को बोलते हैं क्या उसी को बोला जाता है भैया कैंसर क्लियर है सारी की सारी चीजें कैंसर की परिभाषा क्या होती है किसी भी सेल का असामान्य रूप से अगर बढ़े अगर बढ़ने लगे उसी को बोल दिया जाता है क्या भाई साहब कैंसर सारे के सारे लोग उसको कैंसर बोल दिया जाता है, है। कैंसर की आपको परिभाषा मिल गई अगर कोई भी सेल असामान्य रूप से बढ़ता है वो कैंसर कहलाता है अच्छा सेल एक वर्ड आया है सेल आपके बारे में आपको पता होगा सेल को हम लोग बोलते हैं कोशिका और बॉडी का सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो सेल कहलाता है तो मैं पता होगा बहुत से सेल मिलकर के बनते हैं टिश्यू और बहुत से टिश्यू मिलकर के बनते हैं ऑर्गन और बहुत से ऑर्गन मिल करके बना देते हैं ह्यूमन बॉडी क्लियर है सारी की सारी चीजें तो यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या कहलाता है सेल कहलाता है जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं और जिस मतलब ऐसी पढ़ाई जहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल का ही अध्ययन होता है यानी कोशिका के अध्ययन हमारे एग्जाम में प्रश्न आया है मैं आपको फिर बोल रहा हूं और ये बात मैं बहुत ईमानदारी से बड़ी गंभीरता से बोलना चाहता हूं कि मैं आपको एक भी डेटा पहली बात तो मैं बकवास करता नहीं हूँ मैं आपको जो भी डेटा दे रहा हूं ना वो सारे के सारी चीज़ें एग्जाम में आई हुई हैं या आ सकती हैं या आने के चांस है क्लियर है सारी की सारी चीज़ें तो मेरी बात ध्यान से सुनना सबसे पहले हमने कैंसर की बात की कैंसर की डिफिनेशन ये निकला किसी सेल का असमान रूप से अगर बढ़े या बढ़ने को ही बोलते हैं कैंसर कैंसर की कहानी खत्म हुई सेल की बात करेंगे सेल शरीर का सबसे बेसिक यूनिट है सेल मिलकर के बनते हैं टिश्यू यानी कि ऊतक ऊतक मिलकर के बनाते हैं अंग और सभी के सभी अंग मिलकर के बना देते हैं ह्यूमन बॉडी क्लियर है सारी की सारी चीजें और जहां पे जिस विज्ञान में जिस साइंस में सेल का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी क्या बोला जाता है साइटोलॉजी पहला डेटा और दूसरा सेल की डिस्कवरी किसने की थी तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने किसने किया था रॉबर्ट हुक ने एक डेटा और है सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक हुक ने की थी यो भी इन्होंने मृत वाले सेल को ढूंढा था दो प्रकार का सेल होता है एक ऐसी कोशिका जो मरी हुई कोशिका है मरी हुई कोशिका कोशिका को या की की खोज किसने थी उसका तो आंसर रॉबर्ट हुक है और लेकिन अगर एग्जाम में यह आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी तो जीवित कोशिका की खोज ध्यान से सुन लो यह भी लिख दे रहा हूं जीवित कोशिका की खोज किया था ल्यू वेन होक ने किसने किया था वेन हॉक सारा का सारा डेटा मैं आपको बताऊंगा बात चल रही थी कैंसर की क्योंकि कैंसर हम लोग मनाते का भाई यहां लिख दे रहा हूं चार फरवरी को कैंसर की परिभाषा बता दिया कि कोई भी सेल अगर नॉर्मल तरीके से नहीं असामान रूप से अगर वो बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं कैंसर कैंसर के बाद फिर हमारी अगली कहानी सेल पे आ जाएगी सेल आपस में इकट्ठे होंगे टिश्यू बनाएंगे ऊतक ऊतक इकट्ठे होके ऑर्गन ऑर्गन ह्यूमन बॉडी फिर सेल के बारे में हम लोग जान गए कि सेल का जहां पे अध्ययन होता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी जीवित सेल की खोज किया था ल्यूवे ने मृत सेल की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने और एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि सेल की खोज या कोशिका की खोज किसने की आप आंसर रॉबर्ट हुक ही लगाएंगे और एक चीज और कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है साइटोलॉजी यही ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि कोशिका हमारे शरीर का एकदम बेसिक यूनिट है क्या है बेसिक यूनिट है समझ गए सारी की सारी चीजें चलो नेक्स्ट डेटा चलते हैं और एक क्वेश्चन और अभी सबसे बड़ी कोशिका का आप नाम बताइए हमारे शरीर के ये आपसे प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है क्लियर है सारी की सारी चीजें मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है नेक्स्ट डेटा पे आते हैं कि क्या है डेटा में और देखते हैं सारी की सारी चीजें चार फरवरी हम लोग देख लिए चार फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है आ, मैं मोबाइल जरा साइलेंट कर लू फोन आ रहा है हाँ चार फरवरी को मनाया जाता है आपको पता होगा कि श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बस आप जान जाओ श्रीलंका आपको बताए एक हमारा एक हमारे मतलब अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे इधर मैं साइड से बना रहा हूँ श्रीलंका एक देश है जिसकी कैपिटल है कोलंबो और जिसके अभी प्रेसिडेंट हैं कौन रालिन विक्रम सिंधे रानिल विक्रम सिंधे अभी वहां के प्रेसिडेंट हैं और श्रीलंका और भारत को जो अलग करता है वो है पाक जल संधि पता होगा सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूं इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो पानी है इसी को बोला जाता है पाक जल संधि क्या बोला जाता है पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य एक्चुअली होता क्या है कि पाक जल संधि को जल संधि की इंग्लिश होती है स्ट्रेट क्या इंग्लिश होती है स्ट्रेट पाक स्ट्रेट स्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो दो लैंड ध्यान से सुनना स्ट्रेट की मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं दो भूमि एक भूमि इंडिया होगी और एक भूमि श्रीलंका होगी दो भूमि अगर किसी एक पतली या सकरी या बहुत कम पानी से अगर जुड़ते हैं उसी को बोलते हैं स्ट्रेट तो स्ट्रेट की परिभाषा क्या निकली कि जो दो लैंड को आपस में कनेक्ट करता है और जो पानी हो वो बहुत कम हो बहुत गहरा पानी ना हो बहुत नॉर्मल सा पानी हो उसी को बोला जाता है क्या स्ट्रेट तो इंडिया और श्रीलंका के मध्य जो पानी हो वह है पाक जल संधि और श्रीलंका की कैपिटल मैंने आपको बता दिया कोलंबो प्रेसिडेंट वहां के रानिल विक्रम सिंधे हैं और कुछ भी इसके बारे में आपको जानना जरूरी नहीं है यहाँ पे आ जाओ ये मतलब ये डेट भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक चीज और जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं टिक लगाते जाऊंगा उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है 12 फरवरी को हम लोग मनाते हैं डार्विन डे हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्लियर है ना सारी की सारी चीजें डार्विन आपको पता है डार्विन एक वैज्ञानिक थे मैं बता दे रहा हूं आपको डार्विन एक वैज्ञानिक है और डार्विन जो वैज्ञानिक है ये रहने वाले कहाँ के थे इंग्लैंड और इंग्लैंड जिस जिस देश के अंदर आएगा वो है यूके और यूके की कैपिटल तुम्हें अब तो रट चुका रट चुका होगा लंडन और यहाँ के क्या कहते हैं प्रेसिडेंट कौन है ऋषि सुनक और ऋषि सुनक यहाँ के क्या है प्रेसिडेंट कह रहा हूँ यहाँ के, के प्रधानमंत्री कौन है ऋषि सुनक ये सारा का सारा डेटा आपको रट चुका है बात करेंगे डार्विन की डार्विन ने एक थ्योरी दिया है उस थ्योरी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्लियर है सारी की सारी चीजें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देने वाले कौन है डार्विन है सारी की सारी चीजें चलो अब आ जाओ फटाफट कि नेक्स्ट डेटा हमारा क्या है और डार्विन के बारे में आपको कुछ भी नहीं जाना अच्छा एक चीज ये भी प्रश्न आ सकता है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन था क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है क्या तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को देने वाले कौन है डार्विन है और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये कहता है कि कोई भी हमारे समाज में पेड़ पौधे अगर जंतु होंगे वो अपना पूरा का पूरा जीवन यापन वो सा वो क्या कहते हैं और यहां पे मुगल सल्तनत की उसने की क्या स्थापना अब बाबर का बाबर का का बेटा बेटा आएगा आएगा मेरी बात सुनते जाओ हुमायूं क्लियर है ना हुमायूं फिर गद्दी पे बैठा हुमायूं का बेटा फिर आगे कौन आएगा हुमायूं का बेटा आएगा अकबर क्लियर है सारी की सारी चीजें अकबर का बेटा कौन है भैया अकबर का बेटा है जहांगीर समझ गए जहांगीर का बेटा कौन है भैया जहांगीर का बेटा आपके सामने ही लिख गया है कि जहांगीर का बेटा होगा शाहजहां शाहजहां का, 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 शा. शा का बेटा कौन आएगा शाहजहां का बेटा आएगा कौन भैया औरंगजेब क्लियर है सारी की सारी चीजें शाहजहां का बेटा आएगा औरंगजेब औरंगजेब का बेटा कौन आएगा औरंगजेब का बेटा आएगा बहादुर शाह समझ गए बहादुर शाह का बेटा कौन आएगा बहादुर शाह का बेटा आएगा जहादार शाह कौन आएगा जहादार शाह जो गद्दी पे बैठेगा बस यहीं पे रुक जाओ जहादार शाह के आगे कौन आएगा मैं आपको बताऊंगा फर्रुक सियर क्लियर है ना तो लेकिन ये ज्यादा जाना ज़्यादा आगे हमें नहीं जाना है बस इतना ही रुको हमारी कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से चलते हैं मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की क्योंकि कहानी थी ताजमहल को लेकर के ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने की थी लेकिन आप शाहजहां का पूरा खानदान तो जान जाइए जान आपने देखा पूरे खानदान का काम तमाम कर दिया गया सुनते जाओ बाबर बाबर यहां पे इंडिया में स्थापित हुआ है लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी को हरा करके इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में पानीपत का पहला वार हुआ और जीता कौन बाबर बाबर ने मुगल वंश की की क्या स्थापना बाबर ने मुगल वंश की, की स्थापना मुगल वंश का संस्थापक बना उसकी स्थापना के बाद बाबर के बाद मुगल वंश पे बैठा कौन हुमायूं हुमायूं के बाद बैठा अकबर अकबर के बाद बैठा जहांगीर जहांगीर के बाद देखो यहां से लिखा जहांगीर के बाद बैठा कौन शाहजहां शाहजहां के बाद बैठा औरंगजेब औरंगजेब के बाद बहादुर शाह बहादुर शाह के बाद जहादार शाह जहां शाह के बाद फर्रुक शहर ये आगे क्रम चलते जाता है बस आपको यहीं तक जानना है और यहां भी मैंने आपको ज्यादा बता दिया थोड़ा ही जानना था बस आपको औरंगजेब तक जानना था क्लियर है सारी की सारी चीजें तो ये है पूरी की पूरी कहानी चलो नेक्स्ट डेटा पे आ जाए देखते हैं क्या है हमारे पिटारे पे तो 18 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है नॉन इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट था देख लेना क्लियर है ना 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस उतना जरूरी नहीं है सोशल जस्टिस की बात होती है तो उतना जरूरी नहीं है 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये भी उतना जरूरी नहीं है लेकिन देख लो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो क्या कहते हैं मदर टंग डे है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है आपको सामने लिखा होगा इक्कीस फरवरी को हिंदी जानो विश्व हिंदी दिवस और हमारा जो हिंदी दिवस है वो कम मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस तुम्हें पता होगा दस जनवरी में और जो हमारा जो हम लोग भारतीय लोग मनाते हैं भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है चौदह सितंबर को बस ये दो डेटा जानो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आगे आ जाओ विश्व स्काउट दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स कहा जाता है क्या मैंने बोला सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज अब भैया सबसे पहले ये आ जाए एक्साइज ड्यूटी या एक्साइज टैक्स कुछ भी कह सकते हो एक्साइज ड्यूटी होती ही क्या है एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का शुल्क है मैं लिखते जा रहा हूं एक प्रकार का टैक्स है या एक प्रकार का शुल्क है फी है या ड्यूटी ही लिख सकते एक प्रकार की ड्यूटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है कौन लेती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है अगर किसी भी प्रोडक्ट का ध्यान से सुनना किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट की अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यानी किसी भी प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है तैयार करने पर या किसी भी प्रोडक्ट को आगे बेचने पर अगर आप कोई भी सामान आगे बेचेंगे या किसी भी प्रोडक्ट को बनाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक टैक्स या ड्यूटी लिया जाएगा उसी को बोला जाता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और अब ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है नहीं क्योंकि अब ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें जीएसटी में और जीएसटी तुम्हें पता है हमारे देश में स्टार्ट हुआ है कब एक जुलाई 2017 को इसीलिए एक जुलाई को हम लोग मनाते हैं क्या जीएसटी डे ये सारी की सारी कहानी तुम्हें पता है और सारे के सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएं रहने दो तो कमेंट ना करो मैं ही तुम्हें बता दे रहा हूं कि जीएसटी हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो हमारा था 101 संविधान संशोधन 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आपको पता है कि जीएसटी हमारे देश में क्या हुआ इम्प्लीमेंट हुआ एक जुलाई 2017 से और जीएसटी में तुम्हें पता है एक जीएसटी काउंसिल भी होती है नेक्स्ट डेटा नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ एक जीएसटी काउंसिल होती है और जीएसटी काउंसिल ही जीएसटी का सारा का सारा डिसीजन लेती है जीएसटी काउंसिल के ही द्वारा कि किस सामान पे कितनी जीएसटी ली जाएगी ये सारा का सारा डिसीजन लेती है जीएसटी काउंसिल और जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं या जीएसटी काउंसिल का जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो हमेशा भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री अभी हैं कौन वित्त मंत्री अभी हैं निर्मला सीतारमन यानी जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा किसके द्वारा होगा निर्मला सीतारमन के द्वारा क्लियर है सारी की सारी चीजें सारी जानकारी मैंने आपको दे दी बहुत कायदे से अब आ जाओ फटाफट एक्साइज ड्यूटी भी आपको पता चल गई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता क्या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को बना रहे हो या तैयार कर रहे हो या आगे बेच रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उस पर टैक्स लेता था वो क्या कहते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता था क्योंकि अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चलन में है नहीं अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कन्वर्ट हो गया किस में जीएसटी में और जीएसटी के बारे में मैंने तुम्हें सारी की सारी जानकारी दे दी सत्ताईस फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस मनाते हैं उतना जरूरी है नहीं अट्ठाइस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको पता है हम लोग मना रहे हैं कब 28 फरवरी को एक बहुत बड़े आदमी का जन्मदिन था क्यों बड़ा आदमी मैं बोल रहा हूं क्योंकि उन्हें फिजिक्स का नोबेल का पुरस्कार मिला था और उस व्यक्ति का नाम है सीवी रमन क्या नाम है सीवी रमन और आपको जान करके खुश होना चाहिए कि सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के प्रदेश में हुआ है क्लियर है सारी की सारी चीज चे, चेन्नई के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था इनको नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो उन्नीस में मिला है और नोबेल पुरस्कार जो इनको मिला था वो रमन इफेक्ट के कारण रमन प्रभाव के कारण और एक और इनकी खोज थी वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण किसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तो इनको फिजिक्स का नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला है और नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया जिस डिस्कवरी के कारण वो मैंने आपके सामने लिख दिया वो है रमन इफेक्ट और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाइट क्या स्कलैटिंग कहते हैं उसको स्कलैटर कहते हैं मतलब होता क्या है कि लाइट जो चारों तरफ बिखर जाती है प्रिज्म में उसी के कारण इनको क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार मिला नोबेल पुरस्कार मिलने का समय है 1930 सौ तीस रमन थे तमिलनाडु के बता दिया और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन के कारण ही मनाया जाता है और एक और डेटा नोबेल पुरस्कार की बात हुई है तो तुम्हें पता है कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है उनका नाम है रवींद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो लिटरेचर की फील्ड थी और उनकी एक किताब थी उस किताब का नाम था क्या गीतांजलि क्या नाम था गीतांजलि एक सेकंड रुक जाओ बस उनकी किताब गीतांजलि के कारण उनको नोबेल का पुरस्कार मिला क्लियर है सारा का सारा डेटा ठीक है रविंद्रनाथ टैगोर को टैगोर को गीतांजलि के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर की बात की हो तो एक डेटा और उनके बारे में जान जो जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न ये आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड नाइटहुड या फिर कह सकते हैं सर की उपाधि नाइटहुड और सर की उपाधि दोनों सेम है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि कब त्याग दी थी ये प्रश्न बहुत आता है रविंद्रनाथ टैगोर में या रविंद्रनाथ टैगोर की एक दो किताब का नाम पूछ लिया जाता है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब आपको गीतांजलि पता ही चल गई गी। क्योंकि गीतांजलि के कारण उनको मिला है क्या है नोबेल पुरस्कार मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर की और जो आ, बुक्स हैं एक एक उनकी किताब है गोरा एक किताब का नाम क्या है उनकी बुक का नाम है गोरा और भी उनकी दो तीन बुक हैं और एक डेटा और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानो कि हमारा जो जनगण मन है ये तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब से लिया गया है और बांग्लादेश का भी जो वहां का नेशनल एंथम है अमार सोनार बंगला ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित उनकी बुक से ही उनका भी राष्ट्रगान चल रहा है क्लियर है सारी की सारी चीजें तो रविंद्र हाँ एक जो सबसे जो मेन क्वेश्चन वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड या सर की उपाधि क्यों त्याग दी थी देखो इन्होंने त्यागा था 1919 में और इनको जो नाइटहुड सर की उपाधि मिली थी वो मिली थी 1915 में अंग्रेजों के द्वारा किसके द्वारा मिली थी 1915 में अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड का मतलब क्या हुआ नाइटहुड या सर का मतलब ये हुआ कि अंग्रेज बड़े सम्मान से किसी को एक उपाधि देते थे एक टाइटल देते थे उसी को नाइटहुड या सर कहते थे उन्नीस में इन्हें नाइटहुड या सर की उपाधि मिली और उन्नीस में आपको पता है कि उन्नीस उन्नीस में एक कांड हुआ है उस कांड को कहा जाता है तेरा तेरा अप्रैल 1919 में एक हमारे देश में एक कांड हुआ है उस कांड को बोला जाता है जलिया वाला बाघ हत्याकांड क्या बोला जाता है जलिया वाला बाघ हत्याकांड और वैसाखी का दिन था और उस दिन आपको पता है कि आ, क्या कहते हैं अमृतसर में एक पार्क में लोग इकट्ठे हुए थे रोलिक एक्ट का विरोध करने के लिए और उनके ऊपर अंधाधुंध फायर किया जाता है तो अभी जलिया वाले बाग हत्याकांड पे नहीं जाएंगे जलिया वाला बाग जो जो हत्याकांड हत्याकांड ये जो हुआ था, ये हुआ हुआ था है सॉरी अप्रैल को और जलिया वाला हत्याकांड के ही चक्कर में दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि उन्नीस में त्याग दी जो कि उनको मिला था उन्नीस में गोरा गोरा उनकी एक किताब का नाम है और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनकी एक किताब है गीतांजलि जिसके कारण उनको 1912 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार मिला था और 28 फरवरी को हम लोग जिसका जन्मदिन मनाते हैं वो है सीवी रमन और सीवी रमन के बारे में तुम्हें भी ये डेटा बहुत अच्छे से होगा पता कि सीवी रमन का जन्मदिन 28 फरवरी को पड़ रहा है और उस दिन हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्लियर है सारी की सारी चीजें चलो अब अपने नेक्स्ट डेटा पे आ जाते हैं देखते हैं क्या है कहानी अट्ठाईस फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये सारी की सारी चीजें हो चुकी हैं अच्छा ठीक है इस स्लाइड का हमने सारा का सारा चीजें कवर कर लिया अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा इधर नहीं है अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड इधर से आ जाएगी सबसे पहले से हाँ करंट अफेयर की बात करते हैं करंट अफेयर व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे प्रश्न ये आता है कि भैया इकोनॉमिक सर्वे होता ही क्या है देखो ये इसमें बहुत कहानी लिखी इतनी कहानी आपको नहीं जानना है जो मैं बोलूंगा वो जानना है बस क्लियर है ना सर अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता दूंगा भैया लिखा है द रिपोर्ट डिटेलिंग द फाइनेंशियल स्टेटस यानी आपको ये पता चल गया कि इकोनॉमिक सर्वे एक फाइनेंशियल स्टेटस हमें बताता है और एक चीज और द इकोनॉमिक द सर्वे इज रिलीज बाई द निर्मला सीतारमन इस बार इसको किसके द्वारा बताएगा निर्मला सीतारमन के द्वारा जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इसमें और क्या लिखा है हाँ एक डेटा जो इंपॉर्टेंट है एवरी यूनियन बजट सेशन विद द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट यह डेटा है इंपॉर्टेंट कि सभी भी बजट जब भी स्टार्ट होगा तो प्रेसिडेंट सबसे पहले उसको एड्रेस करेंगे अब आपको सर कहोगे सर इतनी चीजें बताए लेकिन कुछ समझ में तो आया नहीं पहले हम लोग बात कर लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की जो करंट का टॉपिक था मैं आपको बताऊं बजट हमारा जब भी आता है वो आता कब है एक फरवरी को और एक फरवरी के एक दिन पहले जो आता है बजट के एक दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है उसी को बोलता है इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे क्लियर है सारी की सारी चीजें उसी को बोला जाता है इकोनॉमिक सर्वे यानी बजट के पहले जो डेटा हमें बताया जाता है उसी को बोला जाता है क्या इकोनॉमिक सर्वे तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट में अंतर क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे में हमें पिछले साल की जानकारी मिलती जैसे इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आया होगा उस पर लिखा होगा दो और दो और इस बार जब बजट आया होगा उस पर लिखा होगा दो और दो समझने की कोशिश करना बजट में लिखा है 2023-2024 हजार और इकोनॉमिक्स सर्वे पर लिखा है दो हजार बाईस और दो हजार तेईस यानी इकोनॉमिक सर्वे हमें पिछले साल की जानकारी दे रहा है जो साल बीत गया है और बजट हमें आगे आने वाले भविष्य की जानकारी दे रहा है आगे आने वाले साल की जानकारी दे रहा है तो बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे यानी एक दिन पहले अगर एक, एक फरवरी को बजट आ रहा है तो इकोनॉमिक सर्वे कब पेश किया गया होगा इकतीस जनवरी को सिंपल सी बात है तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया और इकोनॉमिक सर्वे बजट के एक दिन पहले ही आता है और इकोनॉमिक सर्वे हमें जानकारी देता है पिछले साल की क्लियर है सारी की सारी चीजें और देख लें इसमें क्या लिखा है और भी इसमें कुछ भी वैसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्लियर है ना सारी की सारी चीजें नेक्स्ट डेटा देखते हैं क्या है नेक्स्ट डेटा तो हमारी स्लाइड थी हाँ एक, अच्छा देखिए साफ साफ लिखा है रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के प्रदर्शन की व्याख्या करता है ये डेटा तो मैंने आप बता दिया या देश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे अब एक बात बताओ पिछले साल में किस चीज की जानकारी देगा देश के इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट सेक्टर की जानकारी देगा कि कौन सा डेटा मतलब कौन से सेक्टर में हम लोग बढ़े कौन से सेक्टर में हम लोग घटे यानी ये बजट के एक दिन पहले आता है अब एक नया शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए और जिसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा अब इसका जाने पोस्टमार्टम करने आपको पता है बजट आर्टिकल 112 में लिखा है और एक चीज और जानो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है बजट की जगह पे जो लिखा है वो लिखा है ए एफ एस और ए एफ एस का मतलब होगा एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम या जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण क्या बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए क्या बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्योंकि बजट नाम का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी शब्द नहीं है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है कौन सा आर्टिकल है भैया एक तुम्हारे सामने लिख दिया हूं और पार्ट कौन सा आएगा पार्ट है भाई साहब और बहन जी छोटे भाई बहन पार्ट है कौन सा पार्ट है पांच पार्ट है कौन सा पांच क्लियर है सारी की सारी चीजें पार्ट पांच के आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है जिसको हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं और पार्ट पांच कहां से होगा पार्ट पांच स्टार्ट होता है आर्टिकल बावन से लेकर के आर्टिकल एक तक ये सारी की सारी जानकारी पहले हो गई तुम्हारे बजट की दूसरा बजट की मतलब जानकारी लो बजट हमारे देश में पेश करता है कौन फाइनेंस मिनिस्टर क्लियर है सारी की सारी चीजें बजट हमारे देश में पेश कौन कर रहा है फाइनेंस मिनिस्टर सबसे पहला बजट कब आया 1860 1860 में और उस समय भारत का वायसराय कौन था उस समय भारत का वायसराय थे कौन बहुत इंपॉर्टेंट डेटा जो जो चीज बता रहा हूँ सुनते जाओ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग कौन थे लॉर्ड कैनिंग और सबसे पहला बजट कैनिंग के समय में पेश किसने किया अठारह में तो उसको पेश किया था जेम्स विल्सन ने किसने पेश किया था जेम्स विल्सन ने सारा का सारा डेटा सुनते जाना सबसे पहला बजट किसने पेश किया जेम्स जेम्सन ने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है है कि आजाद भारत भारत और रिपब्लिक भारत का बजट कौन कौन पेश किया तो तुम्हें पता है हम लोग आजाद्लिक फोर्टी सेवन में और रिपब्लिक यानी हम गणतंत्र कब हुए हैं उन्नीस सौ पचास में क्लियर है सारी की सारी चीजें दो डेटा है तो आजाद भारत मतलब हम देश में जब आजाद हुए तब हमारे जो देश का जो बजट पेश किया, किया, किया गया था वो के शुखम चेट्टी के द्वारा क्या है एस के शनमुखमुखम स्पेलिंग देख लेना के द्वारा मतलब हमारा जो सबसे पहला जो बजट पेश किया गया था के शमुखम चेट्टी के द्वारा और 1950 में जो हमारा पहला मतलब 1950 में रिपब्लिक इंडिया का जो हमारा बजट पेश किया गया था वो किया गया था जॉन मथाई के द्वारा किसके द्वारा जॉन मथाई के द्वारा सारा डेटा सुनते जाओ बजट पेश करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर यानी अभी अगर 2023 का बजट पेश किसने किया होगा निर्मला सीतारमण ने ये तो इस बार का तुम्हें डेटा पता चल गया कि निर्मला सीतारमण ने भैया बजट पेश तो कर दिया लेकिन प्रश्न ये आता है कि सबसे पहली बार बजट कब आया 1860 में उस समय वायसराय कौन थे उस समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग सबसे पहली बार बजट पेश किसने किया जेम्स विल्सन ने आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया आरके अच्छा है ये ने. ने इसको पेश किया और गणतंत्र आ सकता है कि सबसे अधिक बार जाहिर सी बात है बजट फाइनेंस मिनिस्टर है तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है मोरारज्जी देसाई के द्वारा किसके द्वारा मोरारज्जी देसाई के द्वारा और मोरा रज्जी देसाई ने जो बजट पेश किया है वो दस बार किया है कितनी बार किया है दस बार तो सबसे अधिक इस फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट पेश किया गया है वो किया गया है मोरा रज्जी देसाई के द्वारा क्लियर है सारा का सारा डाटा मैंने आपको बजट की वो सारी की सारी चीजें बता दी जो आपके एग्जाम में आने का चांस हो सकता है एक चीज और अब ये तो बजट की तुम कहानी तो जान गए एक चीज और तुम्हें शायद पता नहीं होगा जब 1800 अब पता होगा भी मैं ऐसे कैसे सकता हूं हो सकता है तुम्हें पता ही हो 1860 में जब बजट आया था तब तो मैं आपको एक बात बताऊं कि तब जो बजट था ना उसके साथ रेलवे बजट भी जुड़ा रहता था मतलब पहले मैं मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना 1860 में जब बजट आया उस बजट को बोला गया यूनियन बजट क्या बोला गया यूनियन बजट और यूनियन बजट में होता क्या था कि यूनियन बजट में ही रेलवे का बजट आता था मतलब रेलवे के लिए अलग से कोई बजट नहीं आता था अब आप कहोगे सर अभी भी तो रेलवे के लिए कोई बजट नहीं आता है अरे पहले कहानी तो सुन लो 1860 में जब ये यूनियन बजट स्टार्ट हुआ इसी के साथ ऐड था रेलवे भी बजट यानी अलग से रेलवे के लिए कोई भी बजट नहीं आता था रेलवे के लिए अलग से कोई भी बजट नहीं आता था साल आया उन्नीस और उन्नीस में होगा क्या कि रेलवे का बजट और यूनियन बजट अलग अलग आएगा यानी साल 1924 से एक अलग आएगा यूनियन बजट केंद्र का बजट और एक अलग आएगा रेलवे का बजट का क्योंकि रेलवे तो बहुत भयंकर वाला तुम्हें बताया कि विश्व में रेलवे लाइन में अगर पूरा का पूरा जाल देखोगे तो विश्व में इंडिया दूसरे नंबर पर इतनी बड़ी यहां पर पूरा पूरा का पूरा रेलवे का जो पूरा का पूरा जाल बिछा है तो हुआ क्या कि उन्नीस में रेलवे बजट और आपका यूनियन बजट क्या हुआ अलग हो गया यानी यूनियन बजट अलग आने लगा यूनियन बजट क्या कहते हैं अलग आने लगा और रेलवे बजट अलग आने लगा तो ये 1924 में ये जो अलग हुआ था एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर उस कमेटी का नाम है एक कमेटी क्या नाम है एक कमेटी एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1924 में रेलवे और यूनियन बजट क्या हो गया अलग हो गया मैं आपको फिर कह रहा हूं मैं जो डेटा तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं ना तुम सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना बेनिफिट वाला डेटा है बहुत ही ज्यादा बेनिफिट क्लियर है सारी की सारी चीजें तो इस चीज को बड़ा सीरियस लो बड़ी गंभीरता से लो क्योंकि इतना कोई डीपली आपको नहीं बताएगा मेरी बात समझिएगा और सुनिएगा तो 1924 में रेलवे और यूनियन बजट अलग हो गया जिस कमेटी की रिकमेंडेशन पे अलग हो गए वो है यानी एक 1860 से पहले एक बजट आता था 1924 में अलग हो गए अच्छा ये कब तक अलग अलग गए भैया ये कंटिन्यू चलते हैं 2017 तक 2017 में फिर मोदी सरकार ने किया क्या कि भैया यूनियन बजट प्लस रेलवे बजट को कर दिया एक और अब फिर से एक ही बजट आने लगा उसको बोला गया यूनियन बजट और यूनियन बजट के अंतर्गत ही आ गया क्या रेलवे बजट यानी 2017 में मोदी सरकार के द्वारा यूनियन और रेलवे बजट को कर दिया गया क्या मर्ज क्लियर है सारी की सारी चीजें यानी अलग होंगे 1924 में एक कमेटी यानी एक वर्ष कमेटी के रिकमेंडेशन पर और 2017 में फिर से मर्ज किया जाएगा और शुरुआत में जब यूनियन बजट आया था तब उसमें रेलवे बजट एक था क्लियर है सारी की सारी चीजें सारे के सारी चीजें मैंने आपको बजट के बारे में दिया बता और हमारा टॉपिक था इकोनॉमिक सर्वे यहां पे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या है ठीक है नेक्स्ट है हाँ एक चीज और आ, आ, एक प्रश्न ये भी आ सकता है दिए देख लो प्रिपेयर्ड बाय मतलब इकोनॉमिक सर्वे कौन प्रिपेयर करता है ये उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है इसको हटा वित्त मंत्रालय के ही द्वारा होता है आगे नेक्स्ट देखो क्या डेटा है एर्नाकुलम दस हजार नए एमएसएमई पंजीकृत करने वाला पहला जिला बन गया अब ये होता क्या है कि एमएसएमई पंजीकृत करने वाला ये पहला जिला है क्या पहले ये सारा का सारा सिस्टम समझो क्लियर है सारी की सारी चीजें पहले ये डेटा जान लो एर्नाकुलम दस हजार नए एमएसएमई अब पहले एक नया शब्द आया एर्नाकुलम तो एर्नाकुलम के बारे में पहले तुम्हें जानकारी होनी चाहिए कि एर्नाकुलम आपका पड़ेगा किस राज्य में वो पड़ेगा केरल में और दस नए एमएसएमई एमएसएमई क्या है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे और फिर उसके बाद पंजीकृत करने वाला पहला जिला पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पे भी पहला वर्ड आएगा वो हमारे करंट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्लियर है ना अब ये जो पूरा का पूरा ये चीजें बकवास है मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूं उस तरह से चीजें सुनो एर्नाकुलम हम लोग देख लिए तो एर्नाकुलम पड़ता है केरल में एमएसएमई के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं और एक हमको करंट मिल गया कि पहला जिला एर्नाकुलम बना है जहां पर दस नए एमएसएमई को रजिस्टर्ड किया गया है अब पहले ये चीज जानो एमएसएमई होता क्या है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है से सुनना MSME का जो फुल फॉर्म होता है मीडियम मीडियम सॉरी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइसेस इंटरप्राइसेस का मतलब होगा आपको पता है कोई ना कोई बिजनेस क्लियर है सारी की सारी चीजें इंटरप्राइसेस ये होता है एम का फुल फॉर्म मीडियम एम से माइक्रो एस ए स्मॉल एम से मीडियम माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस अब मैं सबके आगे कुछ ना कुछ रुपया लिख रहा हूं फटाफट ये देखते जन्ना यहां पे लिख रहा हूं मैं एक करोड़ और फिर यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पांच करोड़ यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दस करोड़ यहां पे, पे मैं लिख दे रहा हूं पचास करोड़ अब तुम कह रहे हो सर इतना भयंकर रुपया लिख रहे हैं दस करोड़ पचास करोड़ कुछ रुपया हमें दे भी दीजिए यहां पे लिखा है पचास करोड़ और यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ढाई करोड़ समझते चलना जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से तुम सारे की सारी चीजों को समझते चलो मैंने आपको पहले एमएसएमई की परिभाषा बताई एमएसएमई की परिभाषा क्या एमएसएमई का फुल फॉर्म बताया एमएसएमई का फुल फॉर्म आपके सामने आया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पहला डेटा फिर ये आगे मैंने मतलब कुछ करोड़ में रुपया लिखा है अभी इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाओ अभी समझ जाओगे हमारे हिसाब से हमारे सरकार के हिसाब से माइक्रो बिजनेस उस बिजनेस को कहा जाएगा मैक्सिमम ये मैक्सिमम की बात है माइक्रो बिजनेस उस बिजनेस को कहा जाएगा जिसमें मशीनरी पे कम से कम एक करोड़ खर्चा हो मतलब सॉरी जिसमें मशीनरी पे अधिक से अधिक जिसमें मशीनरी पे अधिक से अधिक एक करोड़ का खर्चा हो और जिसका साल का टर्न ओवर ध्यान से सुनना जिसका साल का टर्न ओवर पांच करोड़ हो ऐसे बिजनेस को बोलते हैं माइक्रो बिजनेस माइक्रो बिजनेस की परिभाषा सुनो ऐसा बिजनेस जिसमें मैक्सिमम एक करोड़ हो मशीन का खर्चा जैसे मान लो कोई मान लो क्या कहते हैं सेंट वेंट बनाने की परफ्यूम लगाने की डीओ बनाने की अगर मान लो फैक्ट्री लगाया है तो फैक्ट्री में मशीन वगैरह होंगे ना तो मशीन वगैरह की उसकी जो लागत है वो एक करोड़ से ज्यादा ना हो और जिसका टर्न ओवर करोड़ तक हो साल का ऐसे बिजनेस को बोला जाएगा क्या माइक्रो लेवल का बिजनेस स्मॉल लेवल में यही मशीन पे खर्चा दस करोड़ और टर्नओवर क्या हो पचास करोड़ और मीडियम में मशीन पे खर्चा पचास करोड़ हो और टर्नओवर हो क्या ढाई सौ करोड़ ऐसे सारे के सारे बिजनेस को बोला जाता है एमएसएमई बिजनेस पहला डेटा एमएसएमई एक एक्ट आया एक है और एमएसएमई एक्ट आया है दो में दूसरा डेटा मैंने आपको बता दिया कि एमएसएमई एक्ट आया क्या है एमएसएमई है क्या एक्चुअली एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है क्योंकि सबसे अधिक जॉब प्रोवाइड करने वाला सेक्टर ही एमएसएमई है क्लियर है सारी ये सारी चीजें एमएसएमई की गंभीरता को समझना एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का क्या है एमएसएमई हमारे इकोनॉमी का बैकबोन है और अभी अगर आप देखोगे कि एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है तो अभी चेंज हुए हैं जल्दी क्योंकि इसके पहले नितिन गडकरी थे अभी एमएसएमई के मिनिस्टर हो गए श्री नारायण क्या नाम है आप लोग सर्च कीजिएगा उनका नाम है श्री नारायण तो अभी एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है सी नारायण एक्चुअली एमएसएमई पूरा का पूरा एक मिनिस्ट्री ही है और एमएसएमई के मिनिस्टर कौन है श्री नारायण तो इतना डेटा आपको नहीं जानना है अब अपनी करंट की न्यूज पे आ जाओ न्यूज क्या थी न्यूज ये की थी एर्नाकुलम एर्नाकुलम का डिटेल मैंने बता दिया केरल केरल भैया आपको पता है एर्नाकुलम मतलब क्या एर्नाकुलम जिला पड़ेगा केरल में और एर्नाकुलम में दस हजार नए एमएसएमई को क्या किया गया है रजिस्टर्ड किया गया है और दस हजार एमएसएमई रजिस्टर्ड करने वाला एर्नाकुलम पहला जिला बन गया है तो एग्जाम में प्रश्न एरनाकुलम ये भी आ सकता है डायरेक्टली और ये भी पूछा जा सकता है एमएसएमई की डिफिनिशन क्या है तो आपको एमएसएमई की डिफिनेशन बता देनी है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस माइक्रो में जो होगा एक करोड़ की मशीनों हो पांच करोड़ का टर्न हो स्मॉल में दस करोड़ की मशीनों हो पचास करोड़ का टर्न हो मीडियम में पचास करोड़ में मशीन का खर्चा हो और ढाई सौ करोड़ टर्न हो उसी को बोलते हैं एमएसएमई एमएसएमई एक्ट कब आया दो में और मिनिस्टर का नाम मैंने आपको बता ही दिया बहुत आसान है बाकी ये सारा का सारा डेटा पूरा का पूरा बकवास है होता क्या है इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर अब तुम खुद सोचो दिमाग लगाओ दस हजार अगर नया एमएसएमई रजिस्टर हुआ है तो तुम खुद दिमाग लगाना कि एर्नाकुलम के लोगों को कितना दस हजार नया बिजनेस मतलब रजिस्टर्ड हुआ है यानी अब एर्नाकुलम के लोगों को क्या जॉब मिलने वाली है कि नहीं वहां पर भयंकर रूप से जॉब आने वाले है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी का एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत से लोगों को जॉब प्रोवाइड कराता है क्लियर है सारी की सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है तभी रखा हूं फर्जी होता तो रखता ही ना चलो नेक्स्ट सुनो यूको यूके बायो एशिया दो के लिए कंट्री पार्टनर होगा डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए एक यही है कि इस बार बायो एशिया एक आ, क्या कहते हैं एक सेमिनार होने वाला है बायो एशिया बायो एशिया होगा कहां पे बस यही आपके लिए जरूरी है तो इस बार बायो एशिया होगा है, हैदराबाद में क्लियर है सारी की सारी चीजें और हैदराबाद तुम्हें पता है बस ये डेटा इतना तुरंत रट लो कि बायो एशिया कहाँ पे होना है हैदराबाद थे में और हैदराबाद तुम्हें पता है किस राज्य में आता है वो आता है तेलंगाना हैदराबाद किस राज्य में आएगा हैदराबाद आएगा तेलंगाना में पहला डेटा और तेलंगाना की कैपिटल भी क्या है हैदराबाद है तेलंगाना का लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा की सीट जान जाओ तेलंगाना की लोकसभा की सीट है सत्रह तेलंगाना की राज्यसभा की सीट है सात और तेलंगाना की विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट कितनी है 119 कितनी सीट है 119 क्लियर है सारी की सारी चीजें ये पूरा का पूरा डेटा जान जाओ कि बायो एशिया होना है हैदराबाद में हैदराबाद पड़ेगा तेलंगाना में तेलंगाना की कैपिटल भी है हैदराबाद में और तेलंगाना की लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा की सारी की सारी, सारी सीटें मैंने तुमको बता दी और अभी अगर आप तुम देखोगे तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री के चंद्रशेखर क्या नाम है श्री के चंद्रशेखर मैं लिख भी दे रहा हूं नाम उनका नाम है श्री के चंद्रशेखर क्लियर है ना ये है अभी कहा के सीएम आपके तेलंगाना के क्लियर है सारी की सारी चीजें और तेलंगाना आप सारे के सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि तेलंगाना स्टेट ही कब बना है आपको पता होना चाहिए कि तेलंगाना स्टेट कब बना है और सारे के सारे लोग मुझे कमेंट करके बताइए मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ तेलंगाना स्टेट 2013, 2014, 2015, 2016 मैं आपके एक प्रश्न कर रहा हूं कि तेलंगाना स्टेट कब बना है तो तेलंगाना स्टेट का ऑप्शन भी मैं आपको दे दे रहा हूं दो हजार तेरह और दो तो आपको फटाफट आंसर देना है कि तेलंगाना स्टेट कब बना है और ये सारा का सारा आप मुझे कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट डेटा पे चलते हैं देखते हैं क्या है अटल पेंशन योजना करोड़ करोड़ नामांकन नामांकन को को पार कर लिया सुनो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 5 के को पास किया सारी की सारी चीजें आप बस जानिए कि अटल पेंशन योजना है क्या अटल पेंशन योजना तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अटल पेंशन योजना स्टार्ट कब हुई है अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुई है दो में अटल पेंशन योजना का जो टारगेट ऑडियंस है वो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं और 18 से 40 वर्ष के लोग जो Uh, क्या कहते हैं जो संगठित जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं कौन जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और असंगठित क्षेत्र क्या होता है देखो जब बंदी बंधाई सैलरी ऑन डेट टाइम पे आए उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और जब कोई भी बंदी बंदाई सैलरी नहीं कुछ पता ही नहीं कि पैसा कहां से आएगा उसी को बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो अटल पेंशन योजना स्टार्ट हुई है मेरी बात ध्यान से सुनना 2015 में और अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोग इस पेंशन योजना को ले सकते हैं और उनको और अठारह से चालीस के असंगठित लोग लो ले सकते हैं और उनको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा साठ वर्ष के बाद क्लियर है सारी की सारी चीजें और अटल पेंशन योजना जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत चल रही है वह है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्लियर है सारी की सारी चीजें अब देख लो न्यूज और कुछ भी इसके लिए जरूरी नहीं है कि अटल पेंशन योजना ने पांच करोड़ मतलब पांच करोड़ लोग इसमें इनरोलमेंट कर लिए हैं तो इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं बस डेटा इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अटल पेंशन योजना स्टार्ट कब हुई अच्छा एक चीज और अटल पेंशन योजना के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है पी कौन रिस्पॉन्सिबल है पी ए PFRDA आपको पता है कि एक पेंशन को कंट्रोल करने वाला एक सरकार की एक संस्था है स्टेचुरी बॉडी है संवेदिक संस्था है पीएफआरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा पेंशन फंड रेगुलर्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए का फुल फॉर्म देख लो तो पेंशन फंड रेगुलर्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पी ही अटल पेंशन योजना को पूरा का पूरा क्या करती है ऑपरेट करती है बस एक डेटा इंपॉर्टेंट है कुछ भी नहीं पता चल रहा है अटल पेंशन योजना 2015 में स्टार्ट हुआ है अटल पेंशन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के लोग नामांकन करते हैं जितना पैसा वो डालेंगे उतना ही पैसा केंद्र सरकार कंट्रीब्यूशन करती है और एट द एज साठ वर्ष क्रॉस करने के बाद उनको कुछ ना कुछ पैसा पेंशन के रूप में मिलता है क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति जब बूढ़ा होता है तो उसके साथ पैर शरीर इतने मजबूत नहीं होते हैं कि वो काम कर सके तो अटल पेंशन योजना कब स्टार्ट हुआ है बस ये आपके लिए जरूरी था और बाकी इसका सारा का सारा डेटा बकवास है अब बकवास आपको मैं पढ़ाऊंगा नहीं जो बताऊंगा बस वही जानो क्लियर है सारी की सारी चीजें सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और बाकी हम लोग कल मिलते हैं सभी लोग अपना ख्याल रखना बहुत अच्छा लगा मिलके और रोज मिलेंगे हफ्ते में छह दिन और छह दिन मैं फिर बता रहा हूँ करंट ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम खुद कहोगे कि सर क्वेश्चन फंस रहे हैं और इस बात की बड़ी खुशी होती है जब कोई आगे बोलता है ना कि सर आपका पढ़ा क्वेश्चन आ रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है ठीक है चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक अपना ख्याल रखो